हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या सबको? क्या अभी सबको आवाज आ रही है? विशाल, मैं क्या करूं, मेरी स्क्रीन ही नहीं चल रही है कल से। अभी बताओ, सबको आवाज आ रही है क्या? हेलो, गुड इवनिंग, हाय समृद्धि, हेलो मोहित, हाय डॉक्टर सोफी, हेलो सूरज, हाय विशाल, हेलो अंशिका, मोनिका, हाय पायल, सबको आ रही आवाज? तो एक बार फटाफट से बता दो, एनिमल किंगडम कौन कौन पढ़कर आ गया है भाई? ऑलरेडी कितने बच्चे हैं जो अच्छे से एनिमल किंगडम पढ़कर आए हैं आज? कितने बच्चे हैं? पढ़ के आए हो? कांति, यस। मोहित, यस। चलो फिर ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपको न्यूमैटिक बोन्स, है ना, बोल रही हो, ध्यान से सुनना, आपको न्यूमैटिक बोन्स किस क्लास में मिलती हैं? मुझे पता है जो एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज जनरली पसंद पसंद आती है ना सारे बच्चों को, न्यूमैटिक बोन्स। आंसर तो इसका, फिर क्लास शुरू करेंगे और आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। बर्ड्स से आए एव्स, क्या बात है, वेरी गुड जूही, वेरी गुड सूरज, समृद्धि, डॉक्टर सोफी, ये तो बहुत ही अच्छा किया भाई। मतलब सब पढ़कर आए हो, एक बेसिक टेस्ट तो हो गया है ना। अब जो बच्चे नए हैं, जैसे कि स्माइली क्रिएशन, आप अगर नए हैं तो आपको इस चैनल पर इस टाइम पर रैंक बूस्टर सीरीज मिलेगी। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की। फिजिक्स की क्लास होती है 5 to 6 PM डेली, बायो की होती है 7 to 8 PM और केमिस्ट्री की होती है 8 to 9 PM। हम डेली एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, है ना। और आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे अपकमिंग सेशंस के रिमाइंडर सेट कीजिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। और लाइव आइए, अगर आप लाइव आएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कंप्लीट चैप्टर को लेकर। और मैं एक और बात बता दूं, इस वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट ले रही हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, जिसमें हम कॉकरोच, अर्थ वॉर्म, है ना, और फ्रॉग कवर करेंगे। तो एक बार बताओ जरा, कितने बच्चे चाहते हैं कॉकरोच, अर्थ वॉर्म, फ्रॉग कवर करना वन शॉट में? कितने लोगों को पूरा रिवाइज करना है? क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आता है ना, उससे क्वेश्चन तो जरूर आता है, करना है कवर। हाँ, तो फ्राइडे को वन शॉट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, वो वन शॉट कवर करेंगे, है ना। उसके बाद ही उसके PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे 7 PM पर आना, और आप ये PYQ के साथ, है ना, बायो की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है जहां आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट मिल जाएगा 100 रुपीज में। और ये मैंने पूरा टेस्ट खुद ही बनाया है, और ये यहाँ पर आपको 75 to 80% क्वेश्चंस की एक्यूरेसी मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू 2022 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से, है ना। लास्ट ईयर भी मैंने पेपर प्रिडिक्ट किया था और 75% एक्यूरेसी के हिसाब से किया था। तो आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, वन स्टॉप एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वन स्टॉप एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको कुछ कुछ वन शॉट वीडियोस के जो है नोट्स भी मिलेंगे, और यहाँ पर आप जो है पूरी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप मेरे साथ PYQ सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप यहां से सीधा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन होगा, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें।
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, इसीलिए पूछा था न्यूमैटिक बोन्स। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो और न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स? नियोफ्रॉन, हेमिडेक्टाइलस, मैक्रोपस और निथोराइंकस? आंसर बताओ। बताओ आंसर बताओ। अभी तो आपने बोला था ना एव्स या बर्ड्स में न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं, है ना? तो अब बताओ यहां पर कौन सा है ऑप्शन सही, सोच कर बताना। ए लगता है सबको, नियोफ्रॉन एग्जाम्पल है क्या? है क्या एग्जाम्पल बर्ड का, है ना? सबको लगता है ये, किसी ने गलती तो नहीं करी भाई हर बार। अब आप आज जब गलती करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे, आप सेशन को लाइक करोगे, और अगर लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, दोनों लिस्ट देखो और इसको मैच करना है। लिस्ट वन, लिस्ट टू, फाइफेलिया, लाइम्यूलस एंड साइक्लोस्टोमा और पिंगडेटा, ये लिस्ट वन में है। फिर लिस्ट टू में क्या क्या है, इनके नॉर्मल नाम क्या है? पर्ल ऑयस्टर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, लिविंग फॉसिल और हुकवर्म। मैच कर दो जरा इनको चारों को। मैच करो, पर आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना? अब आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, ए बी सी डी में से बताना है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपके साथ साथ मैच करूं तो फाइसेलिया क्या है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसी के साथ मैंने दो ऑप्शंस तो गलत कर दिए पहले ही, है ना? तो दो ऑप्शन मैंने पूरी तरीके से हटा दिए। फिर दूसरा क्या है, लाइम्यूलस, जिसको हम लिविंग फॉसिल, इसका नाम किंग क्रैब भी है। तीसरा है एन साइक्लोस्टोमा और चौथा है पिंगडेटा। आंसर बताओ सारे के सारे, और सबसे मुझे आंसर चाहिए। एन साइक्लोस्टोमा हुकवर्म है या पर्ल ऑयस्टर है? ध्यान से सोचो और बताओ। सी है, सबको लगता है। हाँ सबको लगता है यही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सी है सही ऑप्शन। नेक्स्ट पर चले भाई, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट आ जाओ। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सीलोमेट एनिमल्स, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सीलोमेट एनिमल्स, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा। बताइए, कौन सा है? राहुल, यहां पर अंशिका लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा है टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा। सबको लगता है बी है, प्लैटीहेलमिंथ है। सबको लगता है प्लैटीहेलमिंथ है। हाँ बी, वेरी गुड, लगता है आज प्रिपेयर होकर आए हो सारे के सारे। फिर से मैच द कॉलम है। अब यहां पर इस चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना है ना, बहुत सारे, क्योंकि फाइलम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली मैच द कॉलम पूछा जाता है। देखो जरा इसका आंसर करो। पहला है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्सलेट्स, फिर हेट्रो सर्कल कॉडलफिन, कॉडलफिन कहाँ होती है, एयर ब्लैडर कहाँ होता है, पॉइजन स्टिंग कहाँ होती है, ट्राइगोन, साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रिक्थिस और स्टिक्थिस। बताइए।
एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर। एक अगर इसमें से पकड़ लोगे ना, एयर ब्लैडर बोनी फिशेस में होता है या कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है? तो हम बोलते हैं कि भाई कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस पूरे टाइम स्विम करती रहती है, क्योंकि अगर ये स्विम नहीं करेगी तो इसके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं है और वो क्या होगा, सिंक कर जाएगी, है ना। लेकिन जो बोनी फिशेस होती हैं, जो ऑस्टिक्थिस वाला ग्रुप है, वहां पर उनको कंटिन्यूस स्विम करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर होता है ना। ये बात याद रख लो बस, ठीक है। तो यहीं पर मैं अगर एयर ब्लैडर को ऑस्टिक्थिस से मैच कर लूं तो बोलो कि आंसर मिल गया। आंसर मिला सबको? विशाल ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देखना, है ना, सारे क्वेश्चन विशाल सही करने हैं। समृद्धि ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहे हो। आंसर ए है, सबको लगता है आंसर ए है। सिर्फ एक मैच करके यहां से मैंने आंसर निकाल लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, आपको ट्रू बताना है फॉर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के लिए, है ना, कॉर्डेटा फाइलम के लिए कौन सा सही है? यूरो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होती है हेड से टेल तक एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल और हॉलो होता है और कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। कौन से इसमें से सही है स्टेटमेंट्स वो बताने हैं, और नीचे ऑप्शन दिए हैं, अच्छे से पढ़ लो और फिर आंसर करना। अच्छा, तो एक बात बताओ, है ना, यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं यही बता दो। यूरो कॉर्डेटा में, है ना, नोटोकॉर्ड क्या हेड टू टेल एक्सटेंड करती है और पूरी लाइफ होती है? इसका एक एक करके येस और नो बताओ, अपने आप आंसर आएगा। यूरो कॉर्डेटा में क्या नोटोकॉर्ड हेड टू टेल एक्सटेंड होती है और वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है? पहले का आंसर दो, ऐसा यूरो कॉर्डेटा में होता है या नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन पर आओ। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही होती है। हाँ बोलो, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही होती है? होती है नहीं? बिल्कुल होती है ना, इसके बाद तो ये डेवलप हो जाती है। फिर कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है और हॉलो है ना, बिल्कुल है, ये भी आपको पता है। लास्ट है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला, हेमी कॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलो कॉर्डेटा। सही है क्या? सही है क्या? अब यहां पर आपको अगर ये नहीं भी पता है तो आप बहुत आसानी से बी और सी के बेसिस पर आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में दो दो स्टेटमेंट्स ही हैं, है ना। यहाँ पे सीधा बी और सी डी में आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन में, है ना। तो बोलो डी ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल, पायल का सही था, है ना, पायल ने सही ऑप्शन चूज किया, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आओ। ये कॉलम को जरा मैच कर लो पहले, है ना, पहले मैच कर लो। ग्रिगेरियस जो ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, है ना। पॉलीफेगस पेस्ट, अडल्ट विथ रेडियल सिमिट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमिट्री, बुक लंग्स और बायोल्यूमिनेसेंस। शिफा, अगर डेली बायोफिजिक्स केमिस्ट्री सबकी क्लासेस अटेंड करोगे टाइम पर तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा है? ए का आंसर बताओ, ए का फोर्थ है लोकस्टा। अडल्ट विथ रेडियल है ना, अडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वे विथ बाइलेटरल सिमेट्री सिमेट्री। स्टारफिश, एस्टीरियस, बुक लंग्स, बोलो बुक लंग्स। एक ही बचा है ये स्कॉर्पियन, इधर आ गए आर्थ्रोपोडा में है ना, और बायोल्यूमिनेसेंस चमकने की पावर टीनोप्लाना में। सही है, अब इसके हिसाब से आंसर बता दो तो जरा। फर्स्ट का मैंने फोर्थ ऑप्ट किया है, अगर मैं इतने पर भी देख लूं ना तो मुझे आंसर मिल जाएगा। हाँ दिख रहा आंसर, बी आंसर दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। डॉक्टर सोफी, बी और डी दोनों का थ्री कैसे हो सकता है ना, हो ही नहीं सकता ना। एक बार चेक करो आंसर, आओ इस पर आओ। कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स, वो बोल रहे हैं आप कुछ फीचर्स जो है कंसिडर कीजिए। क्या क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम पर अगर कोई ग्रुप है ना। बाइलेटरल सिमिट्री है, ठीक है, बाइलेटरल सिमिट्री है। ट्रू सीलोमेट है और बॉडी में सेगमेंटेशन है ना, तो ट्रू सीलोमेट है और सेगमेंटेड बॉडी है। यहां पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, फिर से पढ़ लो एक बार। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमिट्री और ट्रू सीलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। बताओ आंसर क्या है? किसको किसको लगता है बी है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं। भाई मोलस्का में मिलेगा क्या आपको, है ना? तो एक एलिमिनेट कर दो इसमें से और आपको आंसर पता होगा। मोलस्का में आपको ये नहीं मिलेगा। अब मोलस्का यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कहां नहीं है? बी वाले ऑप्शन में नहीं है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। सीधा सीधा बी आंसर दिख रहा है आरती, है ना? अर्शद, बी आंसर है इसका, बहुत सीधा दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विथ रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बार बार बोलूंगी इस चैप्टर से मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। पढ़ो सारे, मैच करो और मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, ठीक है? आप चार को चारों ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, सारे मैच करो और बताओ जरा। एक बार मैच कर लो अच्छे से, और आई होप आप कोई बुक रिफर नहीं कर रहे हो इस टाइम पर। पाइला जो कि एक मोलस्क है ना, ये क्या है? एक मोलस्क है और इसके पास एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है चबाने के लिए, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। यानी ए का ऑप्शन थ्री है। अब मैंने एक एलिमिनेट किया है, बाकी तीनों में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। बॉम्बिक्स है ना, बॉम्बिक्स मोरी पूरा नाम है, ये आर्थ्रोपोडा का हो गया है ना। अब यहां पर एक्सक्रीशन के लिए मालफीजियन ट्यूब्यूल मिलेगा। सेकेंड का मैंने बोला, बी का मैंने बोला फोर, यहां पर लिखा है, यही पर मैंने सही ऑप्शन चूज कर लिया है ना। इसके आगे मैं नहीं भी गई तो भी चलेगा। सी लिखा सबने, कोई ऐसा ही क्या? अर्शद, इतनी मिस्टेक होगी तो सेशन लाइक करना पड़ेगा, जिसने मिस्टेक करी इसमें पहले सेशन लाइक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? डज नॉट अंडरगो,
ध्यान से पढ़ लो, डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अर्थवॉर्म, ट्यूनिकेटा, मॉथ, स्टारफिश। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से है ना लार्वा डेवलप करता है एडल्ट में, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, है ना। क्या अर्थवॉर्म, ध्यान से देखो क्वेश्चन, यहां पर क्यों गड़बड़ कर रहे हो, क्या अर्थवॉर्म में आपको मेटामॉर्फोसिस मिलता है? अर्थवॉर्म में भाई इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है, लेकिन आपको अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर दी अब यहाँ पर, है ना। अगर आपने इसका आंसर गलत दिया है तो आप अभी अपने मिस्टेक बुक में इसको जरूर से लिखेंगे, जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको इनमें से किसमें, है ना, किसमें क्रॉप और गिजर्ड मिलेगा? क्रॉप और गिजर्ड, हाँ, एम्फीबियन में, रेप्टीलिया में, एव्स में, ऑस्टिक्थिस में, यानी कि बोनी फिशेस में। सबको लगता है एव्स बर्ड्स में मिलता है क्रॉप, क्रॉप एंड गिजर्ड, सबको लगता है। बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म? होमियोथर्म नहीं है कौन सा? होमियोथर्म नहीं है कौन सा? नहीं है, बोल रहा है नहीं है, नॉट अ होमियोथर्म। भाई होमियोथर्म दो ही ग्रुप है, बर्ड्स का और मैमल्स का, है या नहीं है? हाँ, और किलोन क्या है, इसका क्या मतलब है बताना जरा। इसका क्या मतलब है? टर्टल है ना, तो टर्टल तो रेप्टाइल हो गया ना, और इसके पास तो खुद का बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का पावर नहीं है, है ना, तो इट इज नॉट अ होमियोथर्म। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट का आंसर करो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमी कॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमी कॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट। वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, फैरिंग्स विद गिल्सेट्स, फैरिंग्स विदाउट गिल्सेट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, है ना, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, अगर आपको याद होगा, है ना, तो फैरिंजियल गिल्सलेट्स यानी कि फैरिंग्स विथ गिल्सलेट्स ये शेयर करते हैं, है ना। यहीं पर बी आंसर सही है, सही है, बोलो। नेक्स्ट पर चले आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, मैमल्स की बात हो रही है। क्या ट्राइगोन एक मैमल है? नहीं, यहां भी ट्राइगोन है तो ये भी नहीं। क्या शार्क मैमल है? नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, इसमें गलती तो नहीं करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, हॉर्स का ऑर्डर पूछ रहा है, हॉर्स का ऑर्डर। हॉर्स का ऑर्डर बताइए। हॉर्स की फैमिली
क्या होती है? इक्विडे, है ना। ऑर्डर क्या होता है? ये तो स्पीशीज है, ये तो स्पीशीज है, ये तो सब स्पीशीज है। नहीं पता तो अभी मार्क कर लो, है ना। नहीं पता तो अभी मार्क कर लो। क्या बचा? तो मैंने बोला भाई ये फैमिली है, ये स्पीशीज, ये सब स्पीशीज। एक ही बचा है, पेरिसोडेक्टाइला, है ना, जो कि हॉर्स का ऑर्डर है। मार्क करो सारे के सारे अपने मिस्टेक बुक में अगर आपने गलत आंसर दिया है। और अगर गलत आंसर दिया है तो आप अभी सेशन को लाइक भी करेंगे, वापस से लाइक करेंगे, और सारे मिस्टेक बुक में आंसर लिख रहे हो। अभिषेक, आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी तो आता ही है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ना, अब से पोरीफेरन की बात हो रही है। इन केस ऑफ पोरीफेरन, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाई फ्लैजुलेटेड सेल्स। इनका नाम क्या है? ऑस्क्यूला, क्वेनोसाइट्स, मीजेनकाइमल सेल्स, ऑस्टिया। बहुत ही आसान। यू विल गेट 3 सेकेंड्स टू आंसर दिस। 1, 2, 3, टाइम्स अप। आंसर करो फटाफट से, आंसर करो। क्या है, क्या बोलते हैं? बी क्वेनोसाइट्स है, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, इन्हीं को फ्लैजिलेटेड सेल्स, इन्हीं को कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। ऑल साइक्लोजोम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3-चेम्बर्ड हार्ट एंड ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? भाई ये गलत है ना। इसका जो है, अगर आपको याद होगा, प्लैटिपस एक्सेप्शन होता है ना। रेप्टाइल्स में 4-चेम्बर्ड हार्ट का एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, है ना। और सारे पाइसेस में ऑपरक्यूलम नहीं होता, कॉन्ड्रिक्टिस में नहीं होता, ऑस्टिक्टिस में होता है ना। तो सारे में नहीं होता, ये भी गलत है। कौन सा बचा? बी बचा, सही आंसर है। अभिषेक क्या गलती कर रहे हो यार, कैसे डी हो सकता है? सारे पाइसेस में गिल्स कवर्ड होते हैं, नहीं, कॉन्ड्रिक्टिस में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल्स। इज नॉट शेयर्ड। दोनों वार्म ब्लडेड हैं, दोनों में जो है बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, दोनों ब्रीद करते हैं लंग से, लेकिन बर्ड्स कैसे होते हैं? ये ओवी पैरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं, है ना। ये एग ले करने वाले होते हैं, समझ रहे हो। तो आंसर क्या है? वीवी पैरिटी है। बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई लॉजिक नहीं भाई। आपको इतना तो कॉमनली पता होगा, आपने जो है बर्ड्स को अंडे देते हुए देखा है, आपने अंडे खाए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगेन आपको इनमें से एक कोई ऑप्शन सही है जो चूज करना है, ठीक है। तो इधर के साइड में आपको ग्रुप बताया, जैसे बोल रहा है कि कॉर्डेटा में दे पॉजेस अ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जॉ, है ना। रेप्टिलिया में 3-चेम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। कॉन्ड्रिक्टिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और मैमेलिया में जो है विवीपैरस। पायल गलत होना भी नहीं चाहिए, आज गलत नहीं होना चाहिए। बताइए आंसर, बताइए इसका। सबको लगता है सी है। कॉन्ड्रिक्टिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। मैंने आपको रेप्टाइल का ऊपर ही बता दिया, मैमल का ऊपर ही बता दिया, और कॉर्डेट्स में ऐसा होता नहीं। तीनों गलत है। हाँ सी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनके नाम पर ही है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ऊपर से स्केलेटन है काइटिनस, ये इनके में है ही। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन, बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड है। क्या नहीं है इनके पास? क्या पैरापोडिया है? बिल्कुल नहीं है।
ए इज द करेक्ट आंसर, सबको पता है, सबको लगता है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पर आओ, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, है ना, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, मोलस्का, प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, पोरिफेरा। अभी ऊपर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेनोसाइट्स की। अभी देखा था किसमें होता है क्वेनोसाइट्स, पोरिफेरा में। डी होगा आंसर, सबको लगता है डी होगा आंसर। क्या भाई, क्या करके आए हो आज, सारे के सारे सही आंसर्स ऐसे कैसे। मेटाजेनेसिस, आइए जरा मेटाजेनेसिस की बात करते हैं। तो मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, सीधा जो है आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन, अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबको लगता है डी ऑप्शन सही है, सबको लगता है। हाँ चलो मुझे बताओ जरा, किस फाइलम में आपने मेटाजेनेसिस पढ़ा था, नाम बताओ फाइलम का। बताइए, आपको मैं फॉर्म्स बताती हूँ, पॉलिप एंड मेड्यूसा, दो फॉर्म होते हैं है ना जो ऑल्टरनेट करते हैं, किस फाइलम में पढ़ा था। अभिषेक मैं आपसे फाइलम पूछ रही हूं, निडेरिया में पढ़ा था। हाँ चलो वेरी गुड सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉलेस फिश के बारे में है। ये एक जॉलेस फिश है जो लेग्स ले करती है एक्स, विच ले एक्स इन फ्रेश वाटर, अमोनोसीट्स लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। जॉलेस फिश है, यहां पर हम एक क्लास की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। है ना, जहां पर एडल्ट्स मूव करते हैं ओशंस से फ्रेश वाटर में, और वहां पर जाकर जो है स्पॉनिंग करते हैं, फिर वो तो वहीं मर जाते हैं, जो लार्वे है वो वापस भटकते भटकते उल्टा आता है एडल्ट होते होते। क्या है, नियोमाइसिन, पेट्रोमाइजन, एप्टेरेटस या फिर माइक्सीन। पेट्रोमाइजन बी करेक्ट आंसर है सूरज, है ना, अभी याद कर लो, अभी लिख लो नोटबुक में, अभी मिस्टेक बुक में लिखो अपने, बी पेट्रोमाइजन। हाँ नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो वीवी पैरिटी। एंडो पैरासाइट पूछ रहा है और बोल रहा है वीवी पैरिटी शो करता है, एस्केरिस, ट्राइकिनेला एंड साइक्लोस्टोमा या एंट्रोबायस। हम यहां बात कर रहे हैं एक निमेटोड की, यहां लिखा है वीवी पैरिटी शो करता है। ध्यान से देखो, हम यहां पर है ना वीवी पैरिटी की बात कर रहे हैं, एग लेइंग नहीं है,
एस्केरिस अगर आपको लगता है तो एस्केरिस ओविपैरस होता है, हम वीवी पैरिटी की बात कर रहे हैं, और ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस इसका सही आंसर है। सबने गलती करी है, सबने लिटरली गलती करी है इसमें, सारे के सारे अपने मिस्टेक बुक में लिखो तो अभी के अभी, और सारे के सारे अभी सेशन को लाइक करोगे, अगर लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करोगे। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस इज द करेक्ट आंसर, अभी करो। अभिषेक आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, है ना, आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कोई बात नहीं पायल, कोई बात नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट था मान लिया, चलो, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वीवी पैरस, कौन सा वीवी पैरस नहीं है? प्लैटिपस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट। ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है। तो मैमल्स की बात कर रहे हैं, और ऊपर मैंने आपको इसका आंसर बताया था, मैमल्स सारे वीवी पैरस हैं, एक एक्सेप्शन है डक बिल्ड प्लैटिपस जो कि ओवी पैरस होता है। ए आंसर है इसका, हाँ ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, बहुत क्वेश्चन अभी करने हैं सॉल्व, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, क्या है ऐसा जो इंसेक्ट्स को इतना ज्यादा डाइवर्स बनाता है लैंड पर? आपको पता है भाई कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है ना, एक्सोस्केलेटन है, आईज है, सेगमेंटेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, क्या है इनमें से? क्या लगता है? भाई आईज तो बहुत एनिमल्स के पास है, सेगमेंटेड भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बाइलेटरल सिमिट्री अभी आपको बहुत सारे ग्रुप से मिलेगी, लेकिन क्या आपको एक्सोस्केलेटन हर जगह मिलता है? हाँ नहीं मिलता है ना, इनके पास एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का बना हुआ, काइटिनस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आओ, सिलेक्ट दी टर्म, है ना, सिलेक्ट दी टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। इकाइनोडर्म, स्टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, निडेरिया। इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा और निडेरिया, ये और ये, है ना, तीनों के तीनों, ये तीनों एक्सक्लूसिवली मराइन है। कौन सा एक बचा? निडेरिया, जो कि फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिलेगा, है ना, याद रखना इस चीज को। और अगर गलत आंसर किया है तो इसको अभी मार्क करो, अभी मार्क करो। इसका बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल? सेल वॉल कहाँ नहीं मिलेगी आपको, साइनोबैक्टीरिया में, सी फैन में, सैक्रोमाइसीज में, या ब्लू ग्रीन एल्गी में? आंसर बताइए, कहाँ पर सेल वॉल नहीं मिलेगी? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं मोनरा किंगडम की, और इनके पास तो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई सेल वॉल होती है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फंजाई की, इनके पास काइटिन की बनी सेल वॉल होती है ना। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ही है ना। तो फिर यहां पर एक ही है एनिमल किंगडम का जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी, सी फैन बी। कोई डाउट? फिर से अगर गलती करोगे तो आपको सेशन को लाइक करना पड़ेगा, अगर लाइक नहीं किया है तो। प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या बायोल्यूमिनेसेंस। प्लेनेरिया के पास एक पावर है, किस चीज की? प्लेनेरिया के पास पावर है किस चीज की? मेटामॉर्फोसिस की, रीजनरेशन की, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, या बायोल्यूमिनेसेंस की?
रीजनरेशन की पावर है भाई इसके पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली फिश कौन सी है? सिंपल सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या वो प्रिस्टिस है, क्या वो टॉर्पीडो है, क्या वो ट्राइगॉन है, क्या वो स्कॉलियोडन है? यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के कॉन्ड्रिक्थिस वाले ग्रुप की, है ना, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस की बात कर रहे हैं हम। बी है, सबको लगता है बी है, कोई डाउट तो नहीं है, टॉर्पीडो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? ये लो, अरे यहां पर हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, से फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा में है। स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी क्यूक्यूम्बर, इकाइनोडर्म है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, पाइसेस में है। सेंटीपीड, मीलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, इंसेक्टा में है। बताइए। स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर मैमल है, तो ये गलत है। हाँ, फ्लाइंग फिश, कैटल फिश, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है? इंसेक्ट है, फिश के नाम से कंफ्यूज नहीं होना। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, हाँ भाई ये इंसेक्टा नहीं है, ये स्पाइडर स्कॉर्पियो क्या है, एराकिनिड्स हैं, है ना। अलग अलग ग्रुप हैं आर्थ्रोपोडा के, इंसेक्टा, एराकिनिड्स, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तीनों के तीनों गलत है ना। ये सही है, समझ रहे हो, ये सही है पहला। तो सिल्वर फिश पे गड़बड़ नहीं करना, ये इंसेक्ट ही है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आओ। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम? सेम फाइलम, प्रॉन्स स्कॉर्पियो लोकस्टा, स्पॉन्ज, सी एनमोन और स्टारफिश, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म। हाँ, प्रॉन स्कॉर्पियो और लोकस्टा, पहला पढ़ लो, ये किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। हाँ, तीनों आर्थ्रोपोडा का है, पहला आंसर ही सही मिल गया। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्यों पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आपको मैच करना है कॉलम, है ना, मैच करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? लाइम्यूलस एक लिविंग फॉसिल बोला जाता है, किंग क्रैब भी बोलते हैं, ये आर्थ्रोपोडा है, तो पहला तो गलत है। एडेम्सिया है ना, एडेम्सिया पॉलिप फेज है सीलेंट्रेटा का, ये भी गलत है। पेट्रोमाइजॉन एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोम है, साइक्लोस्टोमा है, क्या ये सही है? क्या बहुत आसान है, ये सही है, सबको लगता है सी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा? अभी आपको ऊपर आंसर देखा है आपने इसका, कौन सी फिश थी जो आर्थ्रोपोडा में आ रही है, जो इंसेक्टा में आती है? पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। अभी ऊपर पढ़ा था सिल्वर फिश सबने, हाँ ऊपर हमने देखा भी सिल्वर फिश, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पर आओ। फेरेटिमा और उसके क्लोज रिलेटिव्स की बात हो रही है, एंड दे डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम शुगर केन रूट्स, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इंसेक्ट्स, या स्मॉल पीसेज ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मेज एटसेट्रा।
भाई ये क्या है, ये सैप्रोफाइट है। हम फिराटिमा की बात करें तो हम सैप्रोफिटिक है ना ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो डेड डिकेइंग मैटर ऑर्गेनिक मैटर पे जो है न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। बी ऐसा ही आंसर। नेक्स्ट पर आओ। यहां पर अगेन आपको सही ऑप्शन बताना है, कौन सा गलत मैच्ड है ना। विच वन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पाइला, एस्टीरियस, साइकॉन, पेरिप्लेनेटा। पाइला है ना जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में स्नेल भी बोलते हैं, ये बॉडी सेगमेंटेड मोलस्क है और इसके पास माउथ है रेडुला के जैसा। क्या मोलस्क की बॉडी सेगमेंटेड होती है? नहीं, इट इज अनसेगमेंटेड। यहीं पर आंसर मिल गया ए। बोलो, यहीं पर आंसर मिल गया, सीधा ए आंसर मिल गया। नेक्स्ट पर चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। कौन से सिमिलर हैं एक दूसरे से। टेरोपस और ऑर्निथोराइंकस विविपैरस है। गार्डन लिजर्ड और क्रोकोडाइल के पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट है। गलत। एस्केरिस एंड साइक्लोस्टोमा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। गलत, ये भी गलत है ना। और सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म है। आंसर बताओ इसका। बहुत सिंपल है भाई। ऑर्निथोराइंकस ये ओवी पैरस है, बार बार इसी का नाम आता है ना। प्लैटिपस ही है ये। डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। ऑल रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड। है ना, क्या बोल रहा है। कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ पर फोर चेम्बर्ड हार्ट वाले क्रोकोडाइल हैं, ये तो गलत लिखा है। ऑल बोनी फिशेस हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड गिल को कवर करने के लिए ऑपरक्यूलम होता है। गिल कवर है ऑपरक्यूलम, सारे बोनी फिशेस में होता है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना। बी सीधा सीधा करेक्ट आंसर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। समझ रहे हो, सीधा यहां पर आपको जो है आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। फीमेल एस्केरिस है तो आपको शार्प कर्व्ड पोस्टीरियर एंड मिलेगा। भाई ऐसा तो मेल में मिलता है, फीमेल में नहीं, गलत लिखा है। मेल फ्रॉग में आपको कॉपुलेटरी पैड मिलेगा ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिंब। कैसा मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है आपको। फीमेल क्रोकॉकरोच में है ना एनल सरकाई मिलेगा, फीमेल में नहीं मिलेगा, मेल में मिलेगा। मेल शार्क में आपको पेल्विक फिन पर क्लास्पर्स मिलते हैं, है ना, क्लास्पर्स मिलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा है जूही, बताना जरा। डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्ट आपको बताना है विद इट कैरेक्टर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर से थ्री चेम्बर्ड हार्ट, गलत है ना। अपर और लोअर जॉ कॉर्डेटा में, हर कॉर्डेट के पास अपर और लोअर जॉ, गलत। कॉन्ड्रिक्थिस के पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, बिल्कुल सही है ना। मेमेलिया सारे विवीपेरस हैं, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन सीधा सही है। आपको अभी बोला कि भाई ओवी पैरस मैमल भी मिलता है, एक्सेप्शन है ये प्लैटिपस है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। तो क्यों डी बोल रहे हो भाई, कहां से डी लग गया आपको, अगर आप इसी का आंसर कर रहे थे तो इसका आंसर करो। चलो
यहाँ आंसर करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम दो कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइलम करेक्टली मैच्ड है, किसमें करेक्टली मैच्ड है? एस्केरिस में बॉडी सेगमेंटेड है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, लेकिन क्या ये एनेलिडा है? नहीं, ये नेमाटोड है। एक एक देख लो ध्यान से। सेलमेंडर में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, नहीं इट इज एब्सेंट, है ना। नेक्स्ट आउट टेरोपस में, है ना, स्किन पोजेस, एक तो वीवी पैरस है ना, और डी है ऑरेलिया का है नीडोब्लास्ट ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्किन पोजेस हेयर, ऑरेलिया में नीडोब्लास्ट है लेकिन क्या ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सबको लगता है डी, चेक करना जरा ऑर्गेन लेवल है या टिश्यू लेवल है। हाँ ऑर्गेन लेवल है या टिश्यू लेवल है, चेक करो अभी, चेक करके बताओ। गलत है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सी। कैसे गलती कर दी? फिर से अगर आपने गलती करी है तो आप अभी सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, है ना। अब आपको बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग राना टिग्रीना। हम बात करें यहाँ पर फ्रॉग की, है ना, और आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सिबली केप्ट क्लोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। इट हैज फोर चेम्बर्ड हार्ट। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वॉटर। ड्राई लैंड पर वो मर जाएगा अगर आप उसका मुंह बंद कर दोगे तो, बिल्कुल मर जाएगा। पहला बिल्कुल ट्रू है। उसके पास क्या फोर चेम्बर्ड हार्ट है? बिल्कुल गलत है, थ्री चेम्बर्ड है। क्या ड्राई लैंड में वो जो है यूरिकोटेलिक से यूरियोटेलिक से यूरिकोटेलिक में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है ना, दोनों फॉल्स हैं। उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है कैरी होती है पॉन्ड वाटर में, बिल्कुल होती है ना। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन ही सही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही सही है ना। और हमने 41 क्वेश्चंस आर सॉल्व किए हैं एक साथ, है ना। तो आई होप आपको बहुत सारे करेक्ट आंसर्स मिले होंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करो सबसे पहले, और फिर मुझे बता दो कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं अभी बता दो। नेहा चार गलत है, बाकी कोई बात नहीं, तीन गलत है समृद्धि का, मतलब आज बेटर है परफॉर्मेंस। कांति ज्यादा गलती हो गई, फाइव। मोनिका सिक्स, फाइव। भाई तीन के अंदर रखना है आपको, है ना। आपको इन करेक्ट आंसर्स यू शुड कीप इट अंडर थ्री, लेस देन थ्री, है ना। लेस लास्ट तक आते आते चार चार हो गया, गए हो गई गलतियां। विशाल आज ने आज बेटर परफॉर्म किया, दो गलत हुआ है, सेवन रॉन्ग। रचना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। मोहित कोई बात नहीं, और एक बार वापस से आप इसको रिवाइज करोगे, है ना, पूरा एनिमल किंगडम एक बार फिर से बिल्कुल एकदम क्विक रिवीजन करो। और मैं फिर से आपको बोलूंगी लास्ट मिनट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप बिल्कुल अगर आपको लगता है बायो में और इसके आगे प्रैक्टिस की जरूरत है तो जरूर से टेस्ट सीरीज एक्सेस कर लो, ऐप डाउनलोड करके। वन स्टॉप एकेडमी ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जिस जिस दिन हम, है ना, विशाल ने एक्सेस आई थिंक कर लिया है,
जिस दिन हम जो भी चैप्टर है ना कवर कर रहे हैं पीवाईक्यू से, उसी दिन आप वो वापस से रिवाइज करो और नेक्स्ट डे सुबह उठकर टेस्ट दे दो यहाँ से सीधा ऐप पर। इससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी, है ना। और मोहित, आप बोल रहे हो मिनरल न्यूट्रिशन का वन शॉट करवाने को, लेकिन क्या आप लोग जानते हो मिनरल न्यूट्रिशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन से हार्डली एक क्वेश्चन आता है ना। उस एक क्वेश्चन के लिए आप वन शॉट मेरे से करवाना चाहते हो, या आप बायो मॉलिक्यूल जैसे चैप्टर का वन शॉट करवाना चाहते हो जहां से चार क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ, है ना। तो थोड़ा सा अभी आपको वाइज होना पड़ेगा, थोड़ा बेटर चूज करना पड़ेगा, है ना। तो मोहित सोचो कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट भी लग रहा है ना, जिसको अच्छे से रिवाइज भी करना चाहते हो, और वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है उसका, रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर्स में उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, वो वाला टॉपिक मुझे बताओ। तो अभी तो मैं फ्राइडे को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कवर करने वाली हूँ वन शॉट, और सैटरडे को हम उसी का, है ना, उसी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ईशा टेस्ट, पूरे बायोलॉजी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 38 चैप्टर वाइज, 10 यूनिट वाइज, 5 कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, 100 रुपीज है प्राइस। ये आप एग्जाम तक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से सोचो, जूही मैं एवोल्यूशन करवाऊंगी पक्का, देखो, लेकिन एवोल्यूशन तब करवाऊंगी जब उसका पीवाईक्यू सॉल्व करने का टाइम आ जाएगा, है ना, तब एवोल्यूशन करवाऊंगी पक्का करवाऊंगी, लेकिन ठीक है। चलो, तो कमेंट में मुझे लिखकर बताते रहो आपको कौन सा वन शॉट चाहिए, किस यूनिट में, कहां पर, कौन सा आपको लग रहा है चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वापस से मिलूंगी कल 7 PM पर। अभी अंशु मैम की क्लास है, तो आपको अभी अंशु मैम की क्लास अटेंड करनी है जरूर से। और कल हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? हाँ, कल यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, तो पढ़कर आना सारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट अंशिका, बाय संचाली।